हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टरेट अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट क्या क्या है, उसके लॉसेस भी क्या क्या होते हैं, अगर आपने अलाइनमेंट नहीं किया तो उसका लॉस क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सीएनसी मशीन में एक टरेट होता है, टरेट में हम टूल्स लगाते हैं लाइक दिस। इसमें हम चार टूल जो होते हैं वो टर्निंग के लगाते और चार ब्लॉक लगाते हैं लाइक दिस। इसमें टर्निंग के चार टूल लगाते हैं और चार टूल हम आईडी के लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप देखेंगे इसको 8 स्क्रू से लॉक किया जाता है ऐसा। अगर उसका टरेट देखेंगे आप, उसमें ऐसे 8 स्क्रू रहते हैं, एलन बोल्ट रहते हैं। उसका फेस का व्यू आपको बता रहा हूं। तो ये जो टरेट है ये क्या हो जाता है, जब आप एक्सीडेंट होता है मशीन का तो उस समय ये टरेट शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसका जो सेंटर है वो सेंटर का जो हाइट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा मशीन डैश होने के बाद अपने टरेट अलाइनमेंट चेक करना चाहिए। उसी समय ये प्रॉब्लम आपको सामने आता है कि टरेट शिफ्ट हो चुका है। तो वो अगर शिफ्ट हो गया तो आपको उसको चेक करना है। अगर शिफ्ट हो गया तो क्या होता है, कभी कभी नीचे के साइड में भी जाता है, डाउन साइड में, कभी कभी अप साइड में भी आता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा, जब आपका जॉब का फेस करेंगे, जैसे कि ये जॉब का फेस है, और जब आप फेसिंग ऑपरेशन करेंगे तो उस समय आपका टूल एक तो डाउन में जाएगा नहीं तो अप में जाएगा। तो ये आपका टूल है, तो ये टूल जब डाउन में जा रहा है तो यहाँ पे एक ऐसा राउंड एरिया रहता है, वो मशीनिंग नहीं होता है। आपका टूल इसके नीचे से चला जाता है क्योंकि आपका टूल नीचे के तरफ शिफ्ट हो चुका है। हो सके 0.1, 0.2, 0.3, अगर 0.3 शिफ्ट हो गया फिर सेंटर से तो आपका 0.3 शिफ्ट हो गया तो 0.6 का ये राउंड बच जाएगा। इसको हम पीप बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीप आ रहा है, जो आपके फेस के ऊपर ऐसे एक पीप आएगा। आपका टूल सेंटर तक आ रहा है तो भी ये जो पीप है वो निकल नहीं रहा, इसका मतलब आपका टरेट शिफ्ट है। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आपका जॉब टरेट अगर ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया तो भी एक पीप आता है, तब टरेट आपका ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया होता रहता है इस तरह से। सेंटर मतलब अगर टरेट अप साइड शिफ्ट हो गया तो इस तरह से तभी भी पीप आएगा, आपको बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा तब ये मटेरियल निकल जाएगा, अदरवाइज ये मटेरियल वैसे की वैसे ही रहेगा। अगर ऐसा और ऐसा हो गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंसर्ट के ऊपर आता है, टूलिंग के ऊपर आता है, टूल लाइफ नहीं देते हैं। तो अगर आपका टरेट अगर डाउन साइड में शिफ्ट है तो इस तरह से आ जाएगा। जब आप मशीनिंग कराओगे ओडी टर्निंग में तो नीचे होने के कारण आपका जॉब जो है वो टूल के ऊपर चढ़ेगा। तो जॉब टूल के ऊपर चढ़ने के बाद इंसर्ट का जो कॉर्नर है आगे का, यहां से ब्रेक होना चालू हो जाएगा, ऊपर के साइड में डायरेक्ट टुकड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जॉब टूल के ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि सेंटर हाइट नीचे हो गए। अगर टूल आपका ऊपर के साइड में, टरेट अगर ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया तो आपका टूल जो है नीचे के साइड घिसना चालू हो जाएगा, और घिसते घिसते आपका ये पूरा टूल जो कॉर्नर है वो आपका घिस जाएगा। तो दो टाइप होते, एक तो टरेट आपका नीचे के साइड शिफ्ट हो गया तो ऊपर से टूल टूटना चालू हो जाएगा, अगर टरेट आपका ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया तो नीचे का साइड में टूल घिसना चालू हो जाएगा और आपका इंसर्ट लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग बात करते, कल ही वही जॉब चल रहा था, कल इंसर्ट अच्छा लाइफ दे रहा था, 100 जॉब के बाद मैं टूलिंग चेंज कर रहा था, आज 10 जॉब 20 जॉब के बाद ही टूल चेंज करने के लिए आया। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये टरेट शिफ्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आते हैं कि आपको अगर मशीन एक्सीडेंट हो गया तो आपने क्या करना, कोई भी जॉब लगाना और एक टूल से फेस करके देख लेना सेंटर तक आने तक। आपने प्रोग्राम से ही देख सकते हैं, सेंटर में आने तक ऐसा अगर पीप है तो क्या हो गया, आपका वहां पे टरेट शिफ्ट हो चुका है। अभी हर बार टरेट का ही शिफ्ट नहीं, कभी कभी टूल होल्डर का भी इशू रहता है कि आपका जो टूल रहता है, टूल होल्डर होता है, उसमें जब आप इंसर्ट बिठाते तो उसका हाइट भी कम रहता है, तो उसके चलते भी ऐसा प्रॉब्लम आने के चांसेस है। मतलब इसको हम सेंटर हाइट बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम और आता है कि जब आप ड्रिलिंग करते हो, ये तो टर्निंग करते समय आपका टूल ऐसा वेयर हो जाएगा, ड्रिलिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, सेंटर के नीचे से ड्रिल चालू हो जाएगा। तो जब सेंटर से नीचे ड्रिल चालू हो जाएगा तो ड्रिल क्रॉस जाएगा,
और क्रॉस जाने के बाद ड्रिल टूट जाएगा। ये एक प्रॉब्लम आपको बहुत बार फेस करना पड़ेगा, ड्रिल टूट रहा है, पहले नहीं टूट रहा था अभी टूट रहा है, साइज बढ़ रहा है, ड्रिल का साइज जितना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में जब आप ग्रूइंग करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है ग्रू में और थ्रेडिंग में सबसे ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है। ग्रू में अगर टरेट नीचे के साइड शिफ्ट हो गया तो इंसर्ट टिकता ही नहीं है, टूटता है जल्दी जल्दी और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आता है, और इंसर्ट तुरंत टूटता है। ग्रू ऑपरेशन के बारे में, ओडी ऑपरेशन ग्रू ये कर रहे या आईडी में ग्रू कर रहे। दूसरा, अगर ऊपर हो गया तो इंसर्ट नीचे से घिसता है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आता है और नीचे से घिसना चालू हो जाता है। तो उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि टरेट में जो है वो कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, मतलब एक्सीडेंट होने के चलते ये शिफ्ट हो चुका है। और दूसरा रीजन रहता है जो हम टूल रहता है हमारे पास, तो ये जो टूल है इसमें जो इंसर्ट हम लोग बिठाते हैं इसका जो ये जो इंसर्ट है इसका जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, अगर आपका टूल होल्डर MTJNL 25 M16 ऐसा है तो आपका शैंक हाइट शैंक विड 25 है, तो आपका टूल का नीचे का फेस से ऊपर का इंसर्ट जो लगाते हैं उसका जो हाइट है वो बराबर 25 ही होना चाहिए। हम जब टूल ले लेंगे, जैसे ये टूल है इसका जो हाइट है ये फेस से इसका जो सेंटर का हाइट है वो आपको 25 में भी चाहिए, जितना आपका जो शैंक का हाइट दिया है उतना ही चाहिए। अगर ये सही है और आपने टूल लगाया तो भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब टरेट शिफ्ट हो चुका है। आपको टरेट शिफ्ट हो गया ये कैसे समझेगा, तो ऐसा पीप आने के बाद, पीप आने के बाद आप टूल का हाइट भी चेक करो एक बार, अगर टूल का हाइट सही है तो आपका टरेट शिफ्ट हो गया, ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप टूल होल्डर परचेस करोगे तो उस समय आपको इससे सेंटर हाइट चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर टूल का सेंटर हाइट सही नहीं है तो इंसर्ट लाइफ आपका बिल्कुल नहीं देता है, तो ये भी एक रीजन है उसका कि टूल लाइफ नहीं मिलता है। तो दो तीन प्रॉब्लम है ग्रू में, थ्रेडिंग में, थ्रेडिंग में क्या हो जाता है इंसर्ट टूट जाता है अगर नीचे में है तो, ऊपर है तो घिसता है लेकिन लाइफ नहीं मिलता, जितना लाइफ आपको चाहिए उतना लाइफ नहीं मिलता है। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन में और ग्रूइंग ऑपरेशन में और ड्रिलिंग ऑपरेशन में, तीनों में तो सेंटर हाइट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो वो आपने हर बार देखना चाहिए। तो टरेट अगर शिफ्ट हो गया जैसे कि नीचे के साइड हो गया तो आपको इसको ऊपर के साइड में मैन्युअली हम लोग उसको ये जो 8 बोल्ट्स होते हैं सामने सामने के बोल्ट्स क्या करना, आपने लूज कर देना और टरेट को मैन्युअली आप शिफ्ट कर सकते हो। ये काम ऑपरेटर का ही है, ये काम के लिए कोई सुपरवाइजर कोई मेंटेनेंस का आदमी की जरूरत नहीं है, ये ऑपरेटर सुपरवाइजर खुद कर सकता है। इसके 8 जो बोल्ट होते हैं उसको लूज कर देना है और टरेट को आपको ठीक करना है। तो इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। तो टरेट अगर शिफ्ट हो गया तो आपका टूलिंग लाइफ लाइफ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। दूसरा, आपका राउंडनेस ओके नहीं आता है जो आपका, अगर ये सेंटर हाइट ओके नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन वाइब्रेशन होके मटेरियल कट जाएगा और इसका जो राउंडनेस है या रनआउट है वो ओके नहीं आएगा। अगर रनआउट ओके नहीं आ रहा है तो टूल हाइट का भी एक उसमें संबंध होता है। और टूल हाइट मैं बोल रहा हूँ कि टूल हाइट अगर सही है तो आपका टरेट शिफ्ट हो गया होगा, तो ये ऑपरेटर को समझ में आना चाहिए। राउंडनेस ओके नहीं आएगा, रनआउट ओके नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा और टूल लाइफ नहीं देगा, 3-4 आपके लॉसेस उसके वजह से हो जाएंगे अगर सेंटर हाइट सही नहीं है तो। तो इसको कैसे चेक करेंगे वो हम एक बार देखेंगे। इसमें क्या किया हमने, एक टूल निकाल लेंगे, इसमें का एक टूल जो है लगा हुआ, एक पॉकेट को हमें खाली करना पड़ेगा, यहाँ का एक जो पॉकेट है उसको हम निकालेंगे। उसके बाद में ये जो पॉकेट है आपको यहाँ का ये जो एक्स एक्सिस का आपको अलाइनमेंट चेक करना है, एक्स एक्सिस में ये बराबर सही है कि नहीं। यहाँ पे डायल टच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके ले लेंगे तो वो 0-0 चाहिए। और जेड एक्सिस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जेड एक्सिस का पूरा अलाइनमेंट आपको चाहिए, यहाँ पे ये हो गया जेड एक्सिस। ऐसा दोनों भी आपको चेक करना जरूरी होता है। मोस्टली टरेट जो होता है एक्स एक्सिस में ज्यादातर शिफ्ट हो जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पे डायल लगा दिया, डायल जो लगाना है चक पे ऊपर मत लगाइए, आप जो आपका पीछे का जो गाइड है उसके ऊपर डायल लगाइए। ये जो डायल है मैं 10 माइक्रोन का लगा, ये लीवर टाइप डायल गेज है,
इसका लिस्ट काउंट अगर देखेंगे तो हम 10 माइक्रोन है, आप 1 माइक्रोन का भी लगाया तो और चलेगा। और ये जो अलाइनमेंट है वो जितना एक्यूरेसी में आपको चेक करना है उतना एक्यूरेसी का डायल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब डायल मैंने यहाँ पे लगा के ये जो जो हैंडल मोड में लेके इसको आगे की तरफ मैं मूव करके ले रहा हूँ लाइक, अब मैं एक्स एक्सिस को जो है डायल को टच कर लूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने डायल लगाया और टरेट को मैं क्या कर रहा हूँ मैन्युअली एक्स एक्सिस में डाउन की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे डायल जीरो पे है और आप नीचे वो जो पॉकेट का पूरा एरिया होता है उसके लास्ट तक आपको जाके देखना है कि वो कितना माइक्रोन में है। यहाँ पे नीचे के साइड में देखेंगे जीरो था और ऊपर के साइड में देखेंगे तो 10 माइक्रोन है, मतलब ये अलाइनमेंट 10 माइक्रोन के अंदर है। तो 10 माइक्रोन इज ओके, नो इशू। अगर ये ज्यादा हो गया 50 माइक्रोन 40 माइक्रोन या 0.1 हो गया तो इसका मतलब ये टरेट शिफ्ट हो चुका है। तो अभी ये टरेट सही है, तो आप और एक बार देखेंगे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ये 10 माइक्रोन में है, नीचे आ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, मैं जीरो से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये पूरा एक्स एक्सिस में ये 10 माइक्रोन के अंदर है। वैसे मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये शिफ्ट हो चुका होता है तो यहाँ पे उसका रीडिंग आपको बता देता है। तो ये एक्स एक्सिस को मैंने ऐसे चेक किया। सेम हम जेड एक्सिस को चेक कर सकते हैं। जेड एक्सिस के लिए डायल हम यहाँ पे लगाएंगे लाइक ओके। अब देखिए मैं जेड एक्सिस को डायल लगाया, यहाँ पे जीरो सेट किया है और इसको हम लास्ट तक देखेंगे जेड के लिए, जितना टरेट का विड्थ है वहां तक हम जाके देखेंगे तो ये भी लगभग 10 माइक्रोन के अंदर ही है। इसका मतलब जेड एक्सिस भी आपका सही है। इस तरह से आप जेड एक्सिस का अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं लाइक दिस, तो ये भी आपका सही है। तो एक्स और जेड एक्सिस आपको दोनों भी चेक करना पड़ेगा। जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा उस समय आपको ये दोनों एक्सिस को चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया जीरो है और यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये डायल ऊपर के साइड आ रहा है। यहाँ पे जीरो था, ऊपर के साइड में जा रहा हूं यहां तक एंड पे, तो ये क्या हो रहा है ऊपर के साइड आ रहा है, मतलब ये टरेट ऐसा हो चुका है। तो उसको आपको ठीक करना है तो टरेट को उस साइड से उसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस है, तो इसका मतलब टरेट क्या हो चुका है डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरे टूल होल्डर्स निकाल लेना, एक दो तीन चार जो बोरिंग बार है उसको भी हटा देना और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रू है। देखिए यहाँ पे जो है आपको स्क्रू है, 8 स्क्रू है, 1 2 इसके नीचे 1 3 4 ऐसे 8 स्क्रू है, उसको थोड़ा थोड़ा लूज कर देना है। यहाँ पे स्क्रू है, एलन बोल्ट है, उसको लूज करना है। अगर यहाँ पे अप हो रहा है यहाँ पे डाउन हो रहा है मतलब टरेट इस साइड से शिफ्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा लूज करके इसको मैन्युअली आप कॉपर का हैमर से उसको थोड़ा सा ऐसा ठोक के उसको सीधा करना है और फिर अलाइनमेंट चेक करना है। इस तरह से आप एक्स एक्सिस का अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। बाद में अपोजिट बोल्ट को लॉक कर देना है। ये अगर जेड एक्सिस का शिफ्ट है तो यहाँ पे डायल लगाना है, ये कौन से साइड शिफ्ट है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 बोल्ट होते, ये अगर आपने निकाला पतरा तो इसके नीचे 4 बोल्ट है और उसके पीछे के साइड में भी 4 बोल्ट है, तो इसको भी आप इस तरह से ठोक के सीधा कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली टरेट जो शिफ्ट होता है वो एक्स एक्सिस में शिफ्ट होता है, जेड एक्सिस में कम शिफ्ट होता है। और ये सब काम ऑपरेटर को सुपरवाइजर को ही करना है, कोई मेंटेनेंस का आदमी नहीं करेगा। और टरेट अगर ठीक नहीं तो आपको बहुत सारे लॉसेस उसके हो सकते हैं। तो इस तरह से आप टरेट अलाइनमेंट चेक करना है, ठीक है। अगर आपका टरेट का हाइट सही है, मतलब टरेट का अलाइनमेंट अगर आपका सही है और फिर आपको टूल होल्डर चेक करना है, तो टूल होल्डर को क्या करना है, ये जो फेस होता है डाउन का, ये फेस से इसका जो हाइट है ये आपको 25 mm चाहिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो आपको रखेंगे, नहीं तो वी ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको हाइट गेज में स्क्राइबर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसको जीरो करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे रेस्ट किया, मैंने जीरो कर दिया और यहाँ से इंसर्ट का जो लास्ट का एंड है वो जो कॉर्नर है वहां पे जाके आपने देखना है कि ये बराबर 25 mm चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 25 mm है,
तो ये अगर सही है तो फिर आपका टरेट का इश्यू हो सकता है, अगर टरेट सही है तो फिर टूल होल्डर का इश्यू हो सकता है। तो आप इस तरह से दोनों को क्रॉस वेरीफाई करना है। जब आपका टूल लाइफ नहीं मिलता है तो उस समय आप ऐसे 100% टूल जब आप मार्केट से लाते हो तो उसको इस तरह से आपने चेक करना चाहिए। ठीक है।